है, सुन में बोले जा रहे हो। राइट डाउन द क्वेश्चन। अ क्लोथ हैविंग एन एरिया ऑफ क्लोथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वेयर। अ क्लोथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वेयर इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन फिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज, अपना अपना करना, डिस्कस नहीं करना, 5 by 7 meter square ऑन द ग्राउंड। सेकेंड पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। नाउ ऑल ऑफ यू विल ट्राई द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड थिंक व्हाट कैन बी डन। अधूरा नहीं है, रेडियस गिवन है बेटे 5। बेटा क्वेश्चन पूरा है, अपने आप देखो, सोचो दोबारा बेटा, ऐसे तो नहीं पेपर में बैठे हो, पेपर में मैम ने बोला क्वेश्चन इज कंप्लीट। रेडियस इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन एवरेज। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, देन यू 4 मार्क्स क्वेश्चन है, यू विल लीव दिस। बस फिर क्वेश्चन कंप्लीट है आपने, हाँ बेटे क्वेश्चन कंप्लीट है, सोचो ठीक है। सोचो बेटा सोचो, किसे? हाँ क्योंकि उस पे बैठेंगे ना। हाँ जी धीरेन मैम, आई थिंक सो 110 स्टूडेंट्स कैन सिट, 110 स्टूडेंट्स एंड द एरिया इज वॉल्यूम इज 241.7। राइट, बिल्कुल ठीक है। So everyone, others, those who have not understood the question, please listen to me. कहते हैं क्लोथ है जिसका एरिया 165 मीटर स्क्वायर है, means the cloth is in the shape of a rectangle. समझ लो आप लिख रहे हो, एक क्लोथ है जिसको फोल्ड करके क्या बना दिया, is shaped in the form of a conical tent. जब एक कपड़े से तुमने टेंट बना दिया तो वो क्लोथ जिसका एरिया क्या है 165 मीटर स्क्वायर। Right now, it means this 165 meter square is what? This is the curved surface area is 165 meter square. एक तो आपको यहाँ से ये पता चला, ठीक है? और आपको क्या given है कि जो tent बना उसका radius कितना है? 5. Means radius of cone is 5 centimeter. First part क्या है? First part में ये चीज use ही नहीं हो रही। फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट ऑफ इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइज 5 by 7 meter ऑन द ग्राउंड। जब उस ऐसे ओपन ग्राउंड है, एक क्लोथ से टेंट बन गया, बट जो स्टूडेंट्स है वो बैठेंगे कहां पर? ऑन द फ्लोर। नाउ दिस इज द कॉनिकल टेंट, बट द स्टूडेंट्स विल सिट विल ऑक्यूपाई दिस स्पेस एंड दिस इज डायमीटर। नहीं बेटा, ये जो कॉनिकल टेंट का ये जो बेस है ये कैसा होता है? सर्कुलर होता
circular. It means the student will sit on the circular area. ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठेंगे. हमें बताना है कितने बच्चे इस जगह पे बैठ सकते हैं. अगर एक बच्चा कितनी जगह एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, अगर एक बच्चा कितनी जगह कवर करता है 5x7 मीटर स्क्वायर. अगर मैं इतनी स्पेस कवर करती हूँ तो मेरे जैसे कितने पीपल यहाँ पर इस रूम में आ जाएंगे. जितना एरिया है डिवाइडेड बाय द एरिया विच आई एम ऑक्यूपाइंग. समझ आ गई बात. सो इन द फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने निकालना है नंबर. क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन सिट इन द कॉनिकल टेंट इज एरिया ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड या बेस ओवर एरिया एवरेज नहीं एरिया स्पेस या एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट. बेटा एवरेज नहीं, ऑन एन एवरेज का मतलब है अप्रोक्सीमेट. हाँ एवरेज नहीं वर्ड लिखना, एरिया. ऑन एन एवरेज का मतलब कि हमने अप्रोक्सीमेट, ठीक है. एवरेज एवरेज का मतलब होता है कि डिवाइड करके इतना की आया कि एक बच्चा इतना ले रहा है. सो एरिया ऑफ द सिलेंड्रिक दिस सर्कुलर ग्राउंड सर्कल, ये कोन का रेडियस इन्होंने बताया कितना है 5. सो पाई आर स्क्वायर ओवर 5x7. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ समझ आ गया ये क्यों किया है. 22x7 इंटू 5 इंटू 5, ये 5 नीचे ये 7 ऊपर गया. 7 से 7, 5 से 5, 110 स्टूडेंट्स. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन ऑक्यूपाई कैन सिट इन दैट कॉनिकल टेंट 110. नाउ दे आर सेइंग फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, कृति लर्न कर रहे हो बेटा फॉर्मूलाज ना. रेडियस आपको पता है 5. अब हाइट नहीं पता, लेकिन हमें साथ में फर्स्ट ये दिया था कि ये ओपन करेंगे एरिया था उससे कॉनिकल टेंट बनाया. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज दिस 22/7 रेडियस इज 5. यहां से बेटा एल निकल जाएगा जितना. हाँ 10.5 है हाइट. हाइट आई है आपकी, हाइट ही 10.5 है. नहीं एल इज 10.5, हाइट है 9.23. देखो इधर, यहां से एल है 10.5. नाउ वी नो वी हैव टू फाइंड द हाइट. नाउ आई होप एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग. जो सुन रहे हैं उनको समझ आ रहा है एंड दे आर ओनली गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम. नाउ एल स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर. 10.5 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर. ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर. ए माइनस बी 10.5 माइनस 5 5.5. 10.5 माइनस 5 इज 5.5 इंटू 15.5 इज इक्वल टू एच स्क्वेयर. यहाँ 10 डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 10, और अगर हम यहाँ रूट लगाएं तो 55 के फैक्टर्स 11. हमारे पास आया बच्चा h इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 31 ओवर 10 इंटू 10. एक 5 बाहर एक 10 बाहर, रूट 31. या फिर आप सीधा मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो. आया 9 पॉइंट समथिंग किसी का? 9 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं. 31 को 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 341. ठीक है, 341 का स्क्वायर रूट क्या है? ऐसे नहीं आएगा 300 का स्क्वायर रूट नहीं होता. 15 का, 19 का 381, 15 का 225, 17 का 289, 17 का 289, 18 का 324. 5 इंटू 18 ओवर 10, 9.2 समथिंग, ऐसे 9.1 भी ले सकते हो.
चाहे ये मैंने 5 और 10 बाहर ले लिया, आप ना भी बाहर लो, आपने पूरी कैलकुलेशन करके आपके पास एक नंबर आएगा। समझ आया मैंने कैसे किया है? ठीक है, ये आपका आया है बेटे एच। अब इसमें यही मुश्किल है एच निकालना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच 9.1 ले लो, 9.2 ले लो, कुछ भी ले लो, रेडियस 5 है, एच 9.1, सो देयर बाय यू कैन फाइंड द वॉल्यूम बाय यूजिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, एनी डाउट इन एनी स्टेप? नेक्स्ट, ओके लिखो, द वॉटर फॉर अ फैक्ट्री is stored in hemispherical tank whose internal diameter is 14 meter. The tank contains 50 kiloliter of water. This is 14. The tank contains 50 kiloliter of water. क्वेश्चन लिखो राघव, क्वेश्चन लिख रहे हो? वॉटर इज पंप्ड इनटू द टैंक टू फिल इट्स कैपेसिटी। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉटर पंप्ड इनटू द टैंक। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट। 2/3 पाई आर क्यूब। This is an easy question. Saksham, go in 8 the. Stand up. हाँ, इधर किधर जा रहे हो? 8 the किधर है? इधर है 8 the. Saksham, आ जाओ वापस। द वॉटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन हेमिस्फेरिकल टैंक हुज इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसका डायमीटर कितना है 14, रेडियस कितना हो गया बेटे 7 मीटर। ठीक है, द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर ऑफ वॉटर। टैंक में कितना पानी है? 50 किलोलीटर। वॉटर इज पंप्ड इनटू द टैंक टू फिल इट्स कैपेसिटी। पानी उस हेमिस्फेरिकल टैंक में पानी डाला गया तो उसकी कैपेसिटी भरने के लिए। कैलकुलेट द वॉटर ऑफ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉटर पंप्ड इनटू द टैंक। नाउ सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालोगे 2/3। समझ आ जाओ? अच्छा सुनना नहीं, अब सुनना बाकी के। सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक निकाल 8 थे में। सिक्स्थ बी में
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक निकालोगे बेटा, मतलब ये उस टैंक का वॉल्यूम है, इतना पानी उसमें आ सकता है, ये किसमें आएगा, मीटर क्यूब में। लिखो वॉल्यूम ऑफ, लिखिए बेटा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक इज 2/3 πr³। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बेटा आपने खुद ट्राई करना है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट लीव दैट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 22/7, रेडियस इज 7 × 7 × 7। ठीक है, ये कितना है, 2112 मीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू जशन। आपने दिया ना बेटे अभी आंसर, पता नहीं मैं देख लेती हूँ, दो बच्चों ने हैंड रेस किया है। हाँ मुझे भी लग रहा पॉइंट्स में आएगा, लक्ष्य से पूछ लेते हैं ये हैंड रेस का। लक्ष्य बोलो प्लीज, 718.6 आया है, 718.6 आया है वॉल्यूम, 718.6 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। व्हाट आर यू डूइंग हियर सक्षम, किसका वॉल्यूम लिखा नहीं हुआ वहां बुक, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल टैंक इज दिस, ये उसका वॉल्यूम है, मतलब इतना पानी उसमें आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ वॉटर प्रेजेंट इन द टैंक, कितना पानी उसमें है, 50 kiloliters। 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liters, दिस इंप्लाइज 1 meter cube इज इक्वल टू 1 kiloliter, तो ये कितना आएगा, 50 meter cube। जो वॉल्यूम है उसका टैंक का वो इतना है, पानी उसमें कितना है अभी, ये कैलकुलेशन पक्का ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ, रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है बेटे, कैलकुलेशन ठीक है, इतना पानी उसमें आ सकता है, इतना पानी है। अब क्वेश्चन पढ़ो, वॉटर इज पंप्ड इनटू द टैंक, उसमें पानी डाला गया है, सो वॉल्यूम ऑफ वॉटर पंप्ड आउट नहीं लिखा, पंप्ड इनटू लिखा है, पंप्ड इनटू द टैंक इज जितना टोटल पानी है उसमें से इसको माइनस करोगे, 668.6 मीटर क्यूब, इतना पानी उस टैंक में पंप किया गया, डाला गया। बेटा पंप्ड इनटू इट, एक टैंक है हेमिस्फेरिकल टैंक, उसमें इतना पानी आ सकता है, उसमें पानी है कितना, इतना। हाउ मच वॉटर इज पंप इनटू द टैंक, उसको भरने के लिए कितना पानी डाला गया, जितना है उसको टोटल में से माइनस कर दो कि उतना और डाला गया। समझोगे अगर करोगे, गलत लगता है ना बेटे फिर तुम्हें। क्यूब ऑफ साइड 4 cm, लिखो बेटा क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ साइड 4 cm कंटेन्स अ स्फीयर, अ क्यूब ऑफ साइड 4 cm कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड, फाइंड द, आपको डिस्कस नहीं करेगा, खुद करना है।
हाँ हाँ करते हो नहीं खुद. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैप इन बिटवीन. हाँ जी हाँ जी ठीक है. सो देखो कहते हैं इसके बीच में एक स्फीयर है टचिंग इट्स साइड्स. ऐसे क्यूब में स्फीयर आ गया, जिसको नहीं समझ वो समझ ले, जिसको आता है इट्स ओके. नाउ यू कैन सी द एज ऑफ द क्यूब मींस जो साइड है दैट बिकम्स द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. डायमीटर इज 4, रेडियस विल बी 2. जब एक क्यूब में स्फीयर डाल दिया हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैप इन बिटवीन. यस दिव्या प्रणय हाँ जी प्रणय 30 सेंटीमीटर क्यूब. 30 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है. दिव्या मैम मेरा 40 आ रहा है. 40 आ रहा है. धीरेन मैम 30.48. 30.48 30 में लेट मी टेल द आंसर इट इज सॉल्वड हियर. Is the correct answer. Look here, volume of the gap is volume of cube minus volume of sphere. A cube minus 4/3 pi r³. 4³ - 4/3 × 22/7 × 2³. So now calculation you will do yourself and the answer is 30.48 cm³, जिसको आप 30.5 भी लिख सकते हो. Yes, Laksh. मैम वो उसका रेडियस 2 कैसे आया? रेडियस 2 कैसे आया? देखो ना एक क्यूब है. अगर मैं सिंपल क्यूब इज अ 3D फिगर. मान ले ये एक क्यूबिकल बॉक्स है. ऐसे आपको आसानी रहेगी. एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके बीच में ऐसे स्फीयर डाल दिया है, एक बॉल डाल दी है जो उसकी साइड्स को टच कर रही है. ठीक है, ये क्यूब की क्या हुआ है एज कितनी 4 सेंटीमीटर. और अगर यहां से लेके यहां तक 4 है तो इसका मतलब एज टू एज भी ये कितना है 4. डायमीटर इज 4, सो द रेडियस इज 2. ए यू विल टेक 4 एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर यू विल टेक 2 सेंटीमीटर. हां जी 30.48 30.5 राइट. सो ऑन ट्यूसडे बेटा यू आर हैविंग द फर्स्ट रिवीजन टेस्ट फ्रॉम पॉलीनोमियल्स एंड surface area and volume, and Monday also we have one period we can do any mixed questions. दो तीन algebra ये polynomial में से दो तीन surface area and volume में से we'll do mixed question, but revise each and every question at home. Those who want to get good marks and those who want to just pass their time, that is their own wish. और surface area and volume का revision test है Tuesday, right? So all of you, see you on Monday. Take care.